हेलो दोस्तों जी, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट एनालिसिस के अंदर जो मैंने आज सुबह मैंने कॉल दिया था अजंता फार्मा का, तो अजंता फार्मा का जो मैंने जो मेरा ग्रुप है उसके अंदर जो मैंने दिया था उसके अंदर जो मैंने दिया था काफ़ी, आप देख लो ये 1 मिनट, जो उसका जो चार्ट मैंने भेजा था वो था, मैंने बाय करने को बोला था 1335 के आसपास बोला था, बराबर, जो टारगेट था 1370 का और SL जो था वो 1325 का था। उसके बाद जब मुझे इसमें ऐसा क्या दिखा, तो जो मैंने ये कॉल दिया तो आप देख सकते हो कि जो मैंने कॉल दिया था वो काफ़ी मुझे बढ़िया सा ब्रेकआउट मिला, तो उसकी वजह से मैंने ये कॉल दिया था। 1355 के आसपास चला गया था, तब मैंने फ़ोटो खींची थी। एक्चुअली मैंने ले लिया था 1340 के आसपास, मैंने ये ले लिया था। उसके बाद मैंने जो उसका जो टारगेट था 1370 का तो वो दिया था, तो देखो 1370 भी आया हुआ है, आप देख सकते हो। और उसके बाद वो काफ़ी बहुत ऊपर गया था, वो अराउंड गया था 1400 के आसपास। 1398 का जो मैंने दूसरा जो टारगेट दिया था, और मैंने अपने ग्रुप में बोला भी था कि आप जो SL है वो ट्रेल कर लो और जो टारगेट है वो थोड़ा बढ़ा दो, तो मैंने ये डाला था। आपको मैं बता देता हूँ अजंता फार्मा के बारे में, अजंता फार्मा के बारे में मैंने ये इंस्ट्रक्शन डाला था अपने ग्रुप में। तो डाला था लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं बता देता आपको। चलो 1 मिनट, बाद में मैंने ये तस्वीर भेजी थी कि अजंता फार्मा में बाद में मैंने बोला था कि बहुत प्राइस ऊपर जाएगा, तो 1396 उसके बाद तो 1430-50 तक गया था, 40 तक अराउंड गया था वो स्टॉक। तो आप पहले मेरे साथ थोड़ा सीखिए, मैं थोड़ा नया हूँ, थोड़ी वीडियो में दिक्कत आती रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा परफेक्ट गाइडेंस मिलेगा। तो आप मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट भी ज़रूर करो। ओके, चलो, थैंक यू।